सेरेमनी है वो हमारे नीचे जो नेबर रहते हैं रितुपौर्णा, उनके बहन रितुपौर्णा का शादी था और वो शादी में 7 डेज का टोटल प्रोग्राम है। तो एक के बाद एक सभी प्रोग्राम रोज का मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज फर्स्ट डे है, आज मेरा ये ड्रेस है, आज आशीर्वाद का सेरेमनी है तो मैंने ये ड्रेस सिलेक्ट किया है। और ये सारा ज्वेलरी मैंने मनाली से ख़रीद के लाई थी और देखिए ये ईयररिंग भी पहना है मैंने आज। तो आज का मेरा अभी का लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना और पूरा वीडियो जो बनेगा आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं। ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल जो हमारे एक्सप्रेस ज़ेनिथ सोसाइटी में ही है। अगर किसी का कोई भी ओकेशन होता है तो इधर होता है। मेरा एंगेजमेंट हुआ था, आप सबको कभी शेयर करूँगी। अभी चलिए ये शेयर आशीर्वाद में अभी आए हैं रितुपौर्णा। ओ रितुपौर्णा ओके। साइड देखिए। जा रही हो। आप सबको दिखाया था कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आज आशीर्वाद का सेरेमनी है। सो और तो पहले चला गया था मेरा हस्बैंड, क्योंकि घर में मिस्त्री का काम चल रहा है, आप सबको पता ही है। अभी वो घर में है और मैं अभी जा रही हूँ लंच करने के लिए। वैसे आप सबको शेयर करना चाहती हूँ, ये जो सेरेमनी जहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो हॉल, वहाँ पर मेरा और अर्घो का एंगेजमेंट हुआ था जुलाई 2019 में, जब हम लोग का शादी फिक्स हुआ था। एंगेजमेंट पहले हो गया था और वो इसी हॉल में हुआ था। तो हॉल का फिर से एक बार आप सबको लुक दे रही हूँ और लंच में क्या है वो भी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पुलाव बस ना 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 अभी 4 बज गया है, मैं वापस आ गई हूँ घर। और अभी घर का जो हालत है मेरा बहुत ही ख़राब है, क्योंकि पता है आप सबको कि मेरे घर में काम चल रहा है। और यहाँ पे कुछ खाना बच गया है जो मुझे बोला है कि वो लोग अब मेरे फ्रिज में रखने देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज के अंदर उन लोग का खाना अंदर कर दिया है और ऊपर भी रखा हुआ है। ये कुछ फिश है जो तोत्तू में, बंगाली लोगों का तोत्तू में फ़िश आता है, तो बहुत बड़ा साइज़ का था, इसीलिए फिश को कट करके 3 पैकेट में डाल के रख दिया है। और थोड़ा बहुत कुछ मिठाई और दही और मटन और फिश को नीचे तरफ रख दिए हैं। घर में काम चलने की वजह से यहाँ पे जो सारा शादी में पहनूंगी निकाल के रखा हुआ है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, और कुछ भी समेट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक ही रूम में सब कुछ ये सारा सोफ़ा में रखा हुआ है और बेड में हम लोग ये सब रखेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसी रूम में मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम हो ही रहा है, ठीक है, चलो मैनेज कर लेते हैं। और कुछ ही दिन बाकी है, कल जो रिचुअल्स होगा, जो सारा प्लान से वो सारा आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो शादी का टोटल 7 डेज़ का हम लोग का प्रोग्राम है, 7 डेज़ क्या क्या होता है और 7 डेज़ में कैसे हम लोग शादी एंजॉय कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में मेरा जो मेकअप है और मेरा जो ड्रेस है वो भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ही रोज़ खुद से ही मेकअप करने वाली हूँ। आज का मेकअप बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो, ऐसा लुक मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने ड्रेस के साथ एकदम हल्का सा लिपस्टिक, हल्का सा आई शेडो और थोड़ा ब्लशर यूज़ किया है। सो आज का लुक मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है आप सबको। बंगाली शादी का बहुत सारा रिचुअल्स होता है जो इसी सारे वीडियोस में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा शादी में जो सारा वीडियोस है वो सारा अभी तक रेडी नहीं कर पाई, अभी जो शादी चल रहा है उसी में से आप सबके साथ पूरा शादी का वीडियो शेयर कर पाऊँगी। और फिर नेक्स्ट मेरा शादी का वीडियो भी मुझे एडिट करके डालना है, मेरे लिए भी मेमोरीज़ रह जाएगा और आप सबको भी शेयर कर पाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आ रही हूँ। और आप लोग मेरा हर वीडियो देखते रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग सा एन्जॉयमेंट और बहुत सारा शादी का और रिचुअल सब आने वाले हैं। सो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे वीडियोज़ देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच।